विदेश तो भारत आने वाले यात्रियों लिए वड्डी खुशखबरी है। दस दिए कि अज तो सरकार ने बदल दिते ने नियम। कड़े नियम ने दस दिए कि चीन, सिंगापुर, होंगकोंग, दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, जापान तो भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों लिए खुशखबरी है। करोना के घटते मामलों के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने इन्होंने देशों तो आने वाले यात्रियों लिए COVID-19 टेस्ट की लाजमियता खत्म कर दिता है। इस एयर सुविधा पोर्टल से फॉर्म भरन की जरूरत भी है जोड़ा हूँ खत्म कर दिता गया। तू दस दिए कि नवे नियम 13 फरवरी तो लागू हो गए हैं। इसके ही इस केंद्रीय सेहत सकत्र राजेश भूषण ने शहरी हवाबाजी मंत्रालय के अपने हमरुतवा राजीव बांसल ने लिखे पत्र में कहा है COVID-19 मामलों के गिरावट के मद्देनज़र अंतरराष्ट्रीय आमद लिए दिशा निर्देश अपडेट किया जा रहा है। सेहत मंत्रालय के वालों कहा गया कि भारत आने वाले सारे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के 2% लिए जोड़ा करोना टेस्ट जारी रहेगा। तुहानू दस दिए कि मौजूदा समय के विदेशों तो आने वाले यात्रियों के आने पर 2% तक का करोना वायरस टेस्ट बेतरतीबे आधार पर किया जाता है। विश्व सेहत संगठन वालों करोना वायरस से जारी अंकड़िया मुताबिक पिछले 28 दिनों के पूरी दुनिया के करोना वायरस के मामलों में 89% की गिरावट दर्ज की गई है। इस दिन केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों ऐतवार को दी गई जानकारी मुताबिक भारत में 124 नवे करोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं, जिस विच एक्टिव केसा की गिनती है 1843 हो चुकी है। सो होर अपडेट लैके रूबरू होवांगे फिर लुधियाना लाइव। विदेश तो भारत आने वाले यात्रियों लिए वड्डी खुशखबरी है। दस दिए कि अज तो सरकार ने बदल दिते ने नियम। कड़े नियम ने दस दिए कि चीन, सिंगापुर, होंगकोंग, दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, जापान तो भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों लिए खुशखबरी है। करोना के घटते मामलों के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने इन्होंने देशों तो आने वाले यात्रियों लिए COVID-19 टेस्ट की लाजमियता खत्म कर दिता है। इस एयर सुविधा पोर्टल से फॉर्म भरन की जरूरत भी है जोड़ा हूँ खत्म कर दिता गया। तू दस दिए कि नवे नियम 13 फरवरी तो लागू हो गए हैं। इसके ही इस केंद्रीय सेहत सकत्र राजेश भूषण ने शहरी हवाबाजी मंत्रालय के अपने हमरुतवा राजीव बांसल ने लिखे पत्र में कहा है COVID-19 मामलों के गिरावट के मद्देनज़र अंतरराष्ट्रीय आमद लिए दिशा निर्देश अपडेट किया जा रहा है। सेहत मंत्रालय के वालों कहा गया कि भारत आने वाले सारे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के 2% लिए जोड़ा करोना टेस्ट जारी रहेगा। तुहानू दस दिए कि मौजूदा समय के विदेशों तो आने वाले यात्रियों के आने पर 2% तक का करोना वायरस टेस्ट बेतरतीबे आधार पर किया जाता है। विश्व सेहत संगठन वालों करोना वायरस से जारी अंकड़िया मुताबिक पिछले 28 दिनों के पूरी दुनिया के करोना वायरस के मामलों में 89% की गिरावट दर्ज की गई है। इस दिन केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों ऐतवार को दी गई जानकारी मुताबिक भारत में 124 नवे करोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं, जिस विच एक्टिव केसा की गिनती है 1843 हो चुकी है। सो होर अपडेट लैके रूबरू होवांगे फिर लुधियाना लाइव।